अम्मा गणेशा, आज मैं लेकर आया हूँ आपको जयपुर के एक ऐसे राजस्थानी ढाबे पर जहाँ पे दाल बाटी चूरमा और कड़ी आपको देसी स्टाइल में यहाँ पे सिकर की हांडियों में बनती हुई नजर आएगी। गाइस, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे राजस्थानी देसी हांडियाँ जो बहुत समय पहले गाँव में यूज की जाती थी, आज उनमें यहाँ पे सब्जी रोटी और यहाँ पे दाल आपको बनते हुए नजर आएगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है, तो बने रहेगा वीडियो में एंड तक, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। हाँ जी गई, तो भाई आज मैं आ गया इधर रेस्टोरेंट में, और जो ढाबा है ना इतना सही है यार। आप देख सकते हो यहाँ पे अभी मैं बना रहा हूँ, एक्चुअल में यहाँ पे क्या प्रोसेस है। भाई आप आ रहे हो ना, तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लीजिएगा, शराब पीकर अंदर आना सख्त मना। और उसके बाद में भाई अब अपन अंदर की साइड चल रहे हैं, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा भाई इधर की साइड पूरा का पूरा, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। और भाई यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये है भाई सीकर के चूल्हे की रोटियां। इतनी सारी रोटियां, अलग अलग टाइप की रोटियां आप देख सकते हो यहाँ पे। इसके अलावा आगे क्या क्या मिलती है भाई, यहाँ पे राजस्थानी जावनी, भाई ये दूध की जावनी कैसी रहती है यार, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उसके अलावा यहाँ पे और बहुत सारी चीजें हैं, तो सबसे पहले तो मैं हमारे यहाँ के ओनर हैं उनसे मिलवाता हूँ, और भाई उनका कैसा क्या यहाँ पे क्या प्रोसेस रहती है, क्या टाइमिंग रहती है, क्या प्राइस रहती है, वो सारी की सारी चीजें अभी सर यहाँ पे पूरी पूरी बात बताने वाले। हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्कार विराट, कैसे हो सर? बढ़िया विराट सर, आपके ढाबे के बारे में मैंने सुना बहुत है, लोग हैं, चर्चे हैं, ग्राहक हैं, बताते रहते हैं लोगों को। बिल्कुल, मैंने खाना कहाँ मिलता है, मैंने क्या है कि एक्चुअल में मैंने लोगों के मुंह से सुना है कि भाई वहाँ का अगर खाना आपने नहीं खाया ना तो भाई कुछ नहीं खाया। तो सर यहाँ पे बताइएगा हमारे को थोड़ा सा क्या क्या यहाँ पे बनता है, वो सारी की सारी चीजें वीडियो में जरूर देखने को मिलेगा। भाई बने रहना और सब्सक्राइब कर देना, शेयर ज्यादा से ज्यादा कर देना, कमेंट में बताना भाई यहाँ का स्वाद कैसा है, वो तो मैं आपको बताऊंगा स्वाद कैसा है। तो भाई सबसे पहले तो मैं दिखा रहा हूँ आपको जो वेज पूरा का पूरा एक पोर्शन है वो आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे प्रोसेस क्या क्या चीजें होती है, मसाले कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल जाएंगे, इस टाइप से चूल्हे आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी ये क्या बन रहा है सर? ये विराट जी ग्रेवी बन रही है वेज के लिए। अच्छा, इसे लोग ग्रेवी कहते हैं, लेकिन मेरे यहाँ बादाम और काजू अच्छा का मिक्स बन रहा है। क्या बात है, क्या बात ये है? सिर्फ ग्रेवी नहीं है, मेरे यहाँ सब्जी में आपको घी डालने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बादाम और काजू की क्वांटिटी हम इतना डालते हैं, बिल्कुल जरूरत नहीं। तो इस ग्रेवी में बादाम और जो काजू भी है इसमें, इसमें मगज वगैरह नहीं डालते हैं। क्या जैसा कि नॉर्मल आप किसी भी ढाबे पे जाएंगे तो मगज जरूर डालते हैं, ग्रेवी हम काम में नहीं लेते। सर ग्रेवी बहुत सही, आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे ग्रेवी का, आप ये देखिए ग्रेवी की, ये देखिए क्वालिटी आप देखो भाई, किसी तरह का कोई कलर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, नॉर्मली ढाबों पे ग्रेवी में रंगत दिखाने के लिए कलर का यूज करते हैं। ये देखिए मैं इसको हटा रहा हूँ, और ये देखिए अभी अभी पकने पे जा रही है, देखो आप, है ना, ये पूरा का पूरा, ये इधर की साइड आप देख सकते हो गाइस, पूरा का पूरा तरी आने लग गए। मतलब इधर इधर क्या चल रहा है सर? ये नॉर्मल शाम की तैयारी। अच्छा अच्छा अच्छा, अब गाइज प्रोसेस चालू हो चुकी है बाटी और चूरमा बनने के लिए। तो सबसे पहले बाटी के लिए यहाँ पे देसी घी का मोण यहाँ पे बनाया जाता है, ये मोरण है। अच्छा, जो बाटी के अंदर स्मोक रखता है बाटी। तो गाइज अभी बाटी के लिए चल रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे देसी गाय का घी चलता है। अच्छा, देसी गाय का घी चलता है जी, क्या बात है। हाँ विराट जी, अब जैसा कि हमारे बाटियां जो डेली की बननी होती है वो बन चुकी है। अच्छा अच्छा, मैं चाहता हूँ ग्राहकों को आप दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल, बाटी हमारे तंदूर में बनती है। अब आप तंदूर के अंदर देखिए, आप इसके अंदर देखिए, आपको कोई आग दिखाई नहीं देगी। नहीं नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल बिल्कुल राख है, लेकिन आप इसके यहाँ डेली 15 सेकंड से ज्यादा नहीं रख सकते। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, तंदूर है ये, तंदूरी बाटी बनेगी इसके ऊपर। आप देखिएगी राख से 2 फीट ऊपर बाटियां सीखेगी, यहाँ से हीट से ही ये बाटी यहाँ से पक जाएगी। नॉर्मल हीट जो होती है ना, पुराने समय में बाटी बनाने का रीजन होता था, शाम को अगर आटा बच गया है तो इस तरह से बाटियां बनाकर रख देते थे। अच्छा, सुबह अच्छा। तक आराम से वो बहुत स्लो आंच में, बहुत ही धीमी गर्मी में। सर एक्चुअल में इसमें कितना टाइम लग जाएगा इसमें पकने में? 15 मिनट 15 मिनट लगेंगे, क्या बात। भाई साहब यहाँ पे वेज के लिए चूल्हा पूरा चालू हो गया, देख सकते हो आप यहाँ पे लकड़ी से चूल्हा, और इस टाइप से भाई यहाँ पे देखो पूरा का पूरा मिट्टी का चूल्हा बना हुआ है। एक चूल्हा यहाँ पे आपको इधर देखने को मिल जाएगा, ऐसी चीजें आपको जयपुर में कहीं नहीं मिलेगी। भाई मैं आपको बता देता हूँ भाई, लिटरली इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ,
क्योंकि भाई ऐसे चूल्हे आपको गाँव के जैसे चूल्हे आपको कहीं नहीं मिलेंगे और किसी भी ढाबे में आपको ये सारी चीजें नहीं मिलेगी। आप देख सकते हो यहाँ पे ये जैसे गाय के गोबर से बने हुए कंडे हैं और यहाँ पे इस टाइप से इनपे मतलब जैसे जो भी दाल या सब्जी जो भी बनती है वो सारी की सारी चीजें अभी यहाँ पे मैं दिखाऊंगा इन सारी चीजें में। तो भैया क्या बनने के लिए तैयार हो रहा है ये इतने सारे मसाले? कढ़ी बनाएंगे सर। अच्छा कढ़ी बनाओगे? सारी हल्दी सारी की सारी चीजें ले ली उसके बाद में आप यहाँ पे ग्रेवी। अच्छा बिल्कुल नॉर्मल। ये क्या है भैया? ये फूकनी है। अच्छा फूकनी, क्या बात। तो इसमें फूंक देने से जल जाता है? ओहो भाई 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 क्या बात है। क्या आप देख सकते हो भाई अगर गांव में नहीं रहे हो ना आप लोग तो ये भी चीजें आप देख लो यार, उसमें फूंक देते सीधा इधर आ जाते और जल जाता है ये भी। क्या बात है क्या बात है, बहुत सही। अब भाई बनाने वाला है यहाँ पे कड्डी, यहाँ पे बनाने वाला है। कड्डी कैसी बनती है यहाँ पे वो भी आपको यहाँ से पूरी देसी स्टाइल में आपको बताने वाला हूँ। हाँ जी भैया आप प्रोसेस चालू हुए? हाँ जी। ये क्या बनाएंगे कड़ी? अच्छा इसके लिए अपन ने ये लिया है पूरा देसी, सारा का सारा हांडी में होता है पूरा का पूरा। ये बेसन लिया है अपन। ओके इसके अंदर अपन डालेंगे पानी। अच्छा और इसको अच्छी तरह मिला लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे इसके अंदर मसूरी नहीं रहनी चाहिए। अच्छा इसको पूरा पूरा मिक्स कर देंगे सबसे पहले है ना। इसके बाद में ये चाच है पूरी की पूरी। तो ये चाच मतलब गांव से मंगाई हुई चाच है फिर कोई? हम ही बनाते हैं। अच्छा हाँ पी मतलब दही से चाच बनाते हो? दूध जमाते हैं इधर। हाँ हाँ मटकी में मटकी का दूध की चाच बनाते। क्या बात है यार पूरी चीजें यहाँ पे देसी देखने को मिल रही है। तो गाइस फाइनली बाटी बनके रेडी हो चुकी है और अब ये जा रही है घी लगने के लिए। और यहाँ से इसमें घी किस टाइप लगाया जाता है आप देख सकते हो, भगोना भर के पूरा देसी गाय का घी है उसमें एक एक बाटी को इस तरीके से फोड़ दिया जाता है ताकि उसमें अच्छे से घी जा सके। और भाई यहाँ पे अच्छे से इसमें जब तक घी मिक्स नहीं हो जाता अंदर नहीं रम जाता तब तक बाटियाँ इसके अंदर पड़ी रहती है। भाई बहुत ही बढ़िया तरीका देखने को मिल रहा है। क्या बात है, ये घी कौन सा है भैया? ये देसी गाय का घी। देसी गाय का घी है क्या? घर से गांव से मंगाते हो? बिल्कुल। अरे यार क्या बात है। हाँ बिल्कुल कलर देख लो बिल्कुल पीला है, आपको उसमें डाला तो वो भी दिखाया था बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देसी घी है भाई। अरे भाई गाइस अब मैं यहाँ पे बताऊंगा बाटी तो मैंने आपको बताई थी कि कुछ इस तरीके से बाटी होती है। भाई चूरमा भी अभी देखना, चूरमा भी यहाँ पे आपको क्योंकि राजस्थानी फूड है चूरमा भी बनने वाला है। चूरमा भी आपको दिखाने वाला हूँ। रोटियां भी बन रही है भाई, क्या बात है, पूरा गांव याद आ रहा है मुझे यार। भाई साहब कुछ देख सकते हो इस टाइप का यहाँ पे होता है। और मैं आपको बता देता हूँ ये सिक्कर के चूल्हे की रोटियां भाई। ये जो चूल्हे हैं चूल्हे के अलावा कुल्हड़ दिख रहे हैं मटकियां दिख रही है वो सारी की सारी सिक्कर से आती है भाई। यहाँ पे आप देख सकते हो भाई रोटियां बन रही है और कुछ इस टाइप का खाना आपको भाई जयपुर में कहीं नहीं मिलने वाला।
अब गाइस यहाँ पे लास्ट में जो मैं दिखा रहा हूँ ना भाई, यहाँ पे देखो इनका जो ये दूध गर्म करने का भी ऑथेंटिक तरीका होता है, ये होती है सिगरी। इसके अंदर इस मटके को रखा जाता है और मटके को रखने के बाद में ये दूध गर्म कर दिया जाता है। गर्म होने के बाद में गाइस इसमें एक्चुअल में दही बनाया जाता है दूध से, और किस टाइप से होता है भाई आप यहाँ पे देख सकते हो भाई। बिल्कुल भैया डालो, क्या बात है यार, भाई यहाँ का जो खाना है ना एक बार आप यहाँ पे जरूर आना, ठीक है। एड्रेस मैंने बता ही दिया था, 12 मील चौका ढाबा, अंबर विलास के जस्ट साइड में है। ये खाना भाई आपको जयपुर में कहीं देखने को नहीं मिलेगा, कहीं खाने को नहीं मिलेगा।